अस्सलामुअलैकुम, मैं निमरा शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वन मोहम्मद ताशफीन आलम ने डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस में डीएचओ डॉक्टर सिकंदर अली अब्बासी और महकमा सेहत अफसरान से कोरोना मुहिम के बारे में मुनक्कदा इजलास की सदारत की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने महकमा सेहत के अफसरान को हिदायत की कि वैक्सीन लगाने के अमल को तेज किया जाए। तमाम नादरा मराकज और कारोबारी मराकज में मोबाइल टीमों के जरिए आने वाले शहरियों और दुकानदारों को वैक्सीन लगाई जाए। इस मौके पर डीएचओ डॉक्टर सिकंदर अली अब्बासी ने बताया कि अब तक 44,000 से ज्यादा शहरियों को कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि जिले में 20 वैक्सीन मराकज काम कर रहे हैं। इसके अलावा हर तहसील में 2 मोबाइल टीमें भी वैक्सीन लगाने की मुहिम में मसरूफ हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि आइंदा हफ्ते में तमाम बड़ी मार्केटों में कैंप लगाए जाएं और कहा कि वैक्सीन ना लगाने वाले ताजरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 900 कल हुई है, तकरीबन 44,000 उनको बुला के मीटिंग करें और मतलब शॉपकीपर की वैक्सीनेशन तो मस्ट है। शॉपकीपर है, मेडिकल स्टोर है, सब सारे सारे जितने जो दुकान है इस वजह से।